नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स के बारे में। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे पिछले लेक्चर तक मध्य प्रदेश के सम्मान और पुरस्कारों के बारे में, ठीक है, जो अपडेट हुए हैं, जो भी उन्हें देख चुके थे। अब इसमें बात करते हैं हम लोग समसामयिक की करेंट अफेयर्स के बारे में, मंथ बाई मंथ देखते हैं जो प्रमुख तत्व रह गए हैं या जो प्रमुख तत्व आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जनवरी के, भारत का जल कार्य संघ का 3 दिवसीय 51वां वार्षिक अधिवेशन 18 से 20 जनवरी 2019 को इंदौर में हुआ है। क्या भारतीय जल कार्य संघ का 3 दिवसीय 51वां वार्षिक अधिवेशन अधिवेशन 18 जनवरी से 20 जनवरी 2019 तक कहाँ हुआ है? इंदौर में, उज्जैन नागदा में। राष्ट्रकवि नटवरलाल स्नेही की स्मृति में वित्तीय वर्ष दिया जाने वाला सम्मान डॉक्टर योगेश दुबे को 20 जनवरी 2019 को दिया गया। तो याद रखिए, राष्ट्रकवि नटवरलाल स्नेही में की स्मृति में दिए जाने वाला पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर योगेंद्र दुबे को। आगे बात करते हैं, आईटी सिटी बेंगलोर में मिस्टर एंड मिस इंडिया सुपर मॉडल 2019 का आयोजन 5 जनवरी 2019 को किया गया है। इस पुरस्कार में अनूपपुर जिले की निवासी अस्मिता सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए विशेष सप्ताह का आयोजन 21 जनवरी से 26 जनवरी 2019 को किया गया। इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में के रूप में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश को चयनित किया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल सांची में 29 से 31 जनवरी 2019 तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी वर्ष 2018-19 का आयोजन किया गया है। आगे बात करते हैं, स्वस्थ भारत यात्रा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के को बेस्ट सिटी अवार्ड प्रदान किया गया। याद रखिए, स्वस्थ भारत या के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को बेस्ट सिटी अवार्ड के से प्रदान किया गया है। फिर अगला, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी 2019 को धार जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की कार्यशाला आयोजित की गई। याद रखना, धार जिले में। अगला, मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच जावरा में के सांसद सुधीर गुप्ता को मैगजीन फेम इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण में वर्ष 2018 के लिए संसदीय क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जागरूक श्रेणी की सूची में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। याद रखना, सुधीर गुप्ता। अगला है, महाराष्ट्र के पुणे में 9 से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 31 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 15 कांस्य पदक हैं। तो याद रखिए, पुणे में हुए थे और मध्य प्रदेश ने 31 पदक जीते, ठीक है, जिनमें से 8 स्वर्ण, 8 रजत और 15 कांस्य। अगला है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला में गांधी व्याख्यान 23 जनवरी 2019 को पर्यावरण परिसर स्थित एप्को के मुख्य सभागार भोपाल में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश से बाबूलाल दहिया कृषि सेवा, प्रताप सिंह हार्दिया चिकित्सीय सेवा, कैलाश मदवे साहित्य और शिक्षा और महेश शर्मा सोशल वर्क ट्राइबल वेलफेयर को प्रथम श्री से सम्मानित के लिए चुना गया है। किन्हें? बाबूलाल दहिया कृषि सेवा में, प्रताप सिंह हार्दिया, कैलाश मदवेया और महेश शर्मा। याद रखना, 4 लोग, बाबूलाल दहिया, प्रताप सिंह हार्दिया, कैलाश मदवेया
और महेश शर्मा। ठीक, हाल ही में नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक देश की पहली मूक बधिर फ्रेंडली बैंक बन गई। अगला 26 जनवरी 2019 को से भोपाल में जनजातीय और लोक कलाओं का 34वां राष्ट्रीय समारोह लोक रंग गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने स्वच्छ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में विदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अधीन ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से अपने केंद्रों में सौर संयंत्र की स्थापना के लिए करार किया है। मध्य प्रदेश में 10 संस्थान कौन कौन से, दमोह, इंदौर, खंडवा, धार, सतना, सुजालपुर, सिंगरौली, बैतूल, रीवा, जबलपुर जिलों में 2550 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र प्रस्तावित हैं। किलोवाट हाल ही में मध्य प्रदेश में विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें JN कंसोर्टिया प्रमुख सचिव बने हैं महिला बाल विकास विभाग के, श्री अनुराग जैन प्रमुख सचिव बने हैं वित्त विभाग के, श्रीमती सलीना सिंह अपर मुख्य सचिव बनी हैं कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की, राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन BL कंताराव नियुक्त किए गए। ठीक, आगे बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश की कुमारी स्वाति शर्मा एवं कपिल परमार ने जकार्ता इंडोनेशिया 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगली खबर है तो याद रखिए, कुमारी स्वाति वर शर्मा है और कपिल परमार। वो पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता जबलपुर में 6 से 14 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, याद रखना। मध्य प्रदेश में आगामी 9 मार्च 2019 को न्यायमूर्ति संतुंग के मकर के मार्गदर्शन में प्रदेश स्तर पर वृहद लोक अदालत तथा प्रदेश के नागरिकों को राजस्व न्यायालय के माध्यम से सुगम, सुलभ, त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में आगामी 16 फरवरी 2019 को राजस्व लोक अदालत का आयोजन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बात करते हैं अगली खबर, मध्य प्रदेश जन परिषद संस्था की 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 19 से 21 फरवरी 2019 के मध्य भोपाल में किया गया। फिर अगली है, 29 जनवरी 2019 को IPS विजय कुमार सिंह को मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसने, विजय कुमार सिंह को। ठीक है, जनवरी 2019 में मध्य प्रदेश में अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए खनिज संसाधन मंत्री पुखराज अभियान का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में वर्ष 2012 में स्थापित द वन ग्लोब फोरम द्वारा इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंट सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की मान्यता प्रदान करते हुए द वन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान किया गया है इंदौर को, याद रखना। ठीक है, अब है फरवरी 2019 करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का, तो चलिए फरवरी का देख लेते हैं। राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम द्वारा आयोजित 6वां राष्ट्रीय सम्मान समारोह छतरपुर जिले के की व्यवसायिक कंपनी पेपटेक ग्रुप के डायरेक्टर नीरज चौरसिया को आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगली है, हाल ही में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोड्यूसर श्री मनोज पटेल की लेफ्ट इज राइट फिल्म तथा 3D पेंटिंग टेक्नोलॉजी को चंडीगढ़ में आयोजित 9वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म उत्सव में अवार्ड प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं, 4 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आपको याद रखना है, 4 फरवरी 2019 से को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला है, हाल ही में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना
क्रियान्वयन में जारी ऑल इंडिया रैंकिंग के अंतर्गत खरगोन जिले की छिरनिया जनपद पंचायत को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसे? खरगोन जिले की झिरनिया जनपद पंचायत को। अगला है 10 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देश का प्रथम हेलमेट बैंक स्थापित किया गया। अगला है हाल ही में भोपाल एवं उज्जैन शहर को स्मार्ट सिटी डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2018 प्रदान किया गया। याद रखना भोपाल और उज्जैन को। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 11 से 12 फरवरी 2019 तक नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? होशंगाबाद जिले में, याद रखना। अगला है 12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा जिले के ग्राम धनवाड़ा की सरपंच लक्ष्मीबाई जाट को स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 12 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदा जिले के ग्राम धनवाड़ा की सरपंच लक्ष्मीबाई जाट को स्वच्छ शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया है। अगले है मध्य प्रदेश में ईंधन ऊर्जा संरक्षण के लिए सक्षम 2019 कार्यक्रम भारतीय पेट्रोलियम हिंदुस्तान पेट्रोलियम गेल इंडियन ऑयल के समन्वित प्रयास से 16 जनवरी से 15 फरवरी 2019 तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की थीम थी ईंधन संरक्षण की जिम्मेदारी, जनगण की भागीदारी। ठीक है, अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश के 4 जिलों रीवा शहडोल छतरपुर रतलाम जिलों में श्रमोदय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया है। याद रखिए रीवा शहडोल छतरपुर रतलाम में। सोलह फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय की मंजूरी को प्रदान की है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ किए गए मिजल्स रुबेला टीकाकरण अभियान में उज्जैन जिले को प्रथम, विदिशा जिले को दूसरा स्थान मिला है। ठीक, फिर 16 फरवरी 2019 को जबलपुर जिले के भेटौली गांव में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। आगे है 22 से 24 फरवरी 2019 को बैतूल जिले के मुलताई में ताप्ती महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात करते हैं आगे, 20 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा इंदौर भोपाल विदिशा शिवपुरी रतलाम शहडोल जबलपुर सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए हैदराबाद के टैप्सोल सोलर पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी तथा मध्य प्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हुआ है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन नदी नगरी खजुराहो में 20 से 26 फरवरी 2019 के मध्य भारतीय नृत्य विधाओं पर केंद्रित 45वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला है 25 फरवरी 2019 को ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान में संकर व्याख्यान मेला माला का आयोजन किया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं 26 से 28 जनवरी 2019 को राजधानी भोपाल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय इतिहास कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। तो याद रखिए 26 से 28 फरवरी को राजधानी भोपाल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय इतिहास कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। ठीक है, फिर 19 मार्च 2019 का करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। 1 मार्च 2019 को वर्ष 2018 का श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ स्थल कावड़ दादा जी धूनी वाला भाले दरबार खंडवा को प्रदान किया गया है। अगला है 3 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की 660 मेगावाट विद्युत
उत्पादन वाली 2 इकाइयों का लोकार्पण किया गया। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में केंद्र सरकार की सहायता से दिव्यांग केंद्र की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला है, हाल ही में सरकार ने इंदौर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की नई बेंच की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार ने 2 नई बेंचों की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें एक आंध्र प्रदेश के अमरावती और दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। अमरावती स्थित खंडपीठ का अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश और इंदौर का मध्य प्रदेश राज्य में होगा। अगला है, हाल ही में सरकार ने मध्य प्रदेश वेडी माधव शास्त्री को आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक, 21 मार्च 2019 को वरिष्ठ अधिवक्ता रमन पटेल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, रमन पटेल। फिर अप्रैल 2019 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, 14 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश इंदौर जिले के महू में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 128वीं जयंती मनाई गई है। आपको याद रखना है, इंदौर जिले के महू में 128वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई है। अगला है, 15 अप्रैल 2019 को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इंदौर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगली खबर है, 16 अप्रैल 2019 को पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, 16 अप्रैल को। ठीक है, हाल ही में ग्वालियर गैलोरी हाई स्कूल ने फिल्म जुनून जिद से जीत तक के लिए 9वां दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार जीता है। किसने? जुनून जिद से जीत तक के लिए ग्वालियर गैलोरी हाई स्कूल ने। ठीक है, अगला, हाल ही में जैन समाज के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म तप और ज्ञान कल्याणक की सिद्ध भूमि शीतल धाम विदिशा में देश का पहला 108 फीट ऊंचा समवस समव शरण मंदिर का कार्य निर्माणाधीन है। इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2020 तक पूरा हो जाएगा, तो याद रखना है आपको विदिशा में। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल के खिलाड़ियों ने नीदरलैंड में खेला गया हॉलैंड इलीट अंडर 16 हॉकी ट्रेनिंग कप टूर्नामेंट जीत लिया है। उसने फाइनल मुकाबले में डसेल पार्क जर्मनी को 2-1 से पराजित किया है। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश अकादमी से ने एमेर स्पूटर्स को 3-4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसमें यूएसए, कनाडा, नीदरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम के क्लबों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब है मई 2019 का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की सूची 100 में ग्रेट पीपल मैनेजर सूची में इंदौर की धर्मेंद्र जैन को शामिल किया गया है। विश्व की अग्रणी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी यश टेक्नोलॉजी के CFO एवं हेड HR हैं धर्मेंद्र जैन। अगला, हाल ही में इंदौर जिले की निवासी टेनिस खिलाड़ी दीप मुनीम ने कतर में एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 जीती है। 5 मई 2019 को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता राजेंद्र तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया। राजेंद्र तिवारी 1988 तक राज्य सरकार के उप महाधिवक्ता भी रहे। वे मध्य प्रदेश के सरकार के 16वें महाधिवक्ता थे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरल एवं समाधान योजना का नाम बदलकर इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया है। इस योजना में 2 जुलाई 2018 से अब तक 74,37,000 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। अगला है, हाल ही में चीन के बीजिंग में आयोजित पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स प्रतियोगिता में अजीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, आगे बात करते हैं, हाल ही में सागर निवासी डॉक्टर
दिनेश कुमार मिश्रा को भारतीय राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली द्वारा INSA विजिटिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 दिया गया। याद रखिए डॉक्टर दिनेश कुमार मिश्रा को यह अवार्ड उन्हें नैनो मेडिसिन विषय में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सेज यूनिवर्सिटी इंदौर को टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया का अवार्ड उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया है। अगला है, हाल ही में इंदौर के सफाई कर्मी नूतन घावरी की बेटी रोहिणी घावरी को मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जनजाति विभाग ने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप विदेश में PhD करने के लिए प्रदान की है। याद रखिए रोहिणी घावरी को। अगला है, 5 मई 2019 को गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज और वर्तमान मुंबई में पदस्थ जस्टिस ए कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए जाने की सहमति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 15 से 24 मई 2019 को दमोह जिले के सायगढ़ जनपद पंचायत वकरवाहा में 10 दिवसीय आभार माता मेले का आयोजन किया गया है। याद रखिए सायगढ़ जनपद पंचायत वकरवाहा में 18 मई 2019 को नई दिल्ली में होने वाली यूनेस्को की बैठक में भारत के 180 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन की ओर से 4 शहरों क्रमशः चंदेरी, अशोकनगर, हस्तकला इंदौर व्यंजन भोपाल, संस्कृति ग्वालियर, संगीत को शामिल किया गया है। ठीक है, चंदेरी को कायम है हस्तकला के लिए, इंदौर को व्यंजन के लिए और भोपाल को संस्कृति और ग्वालियर को संगीत को शामिल किया गया। आगे बात करते हैं, हाल ही में ग्वालियर के नेशनल शूटर प्रियांशी गुप्ता ने इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की फी जज की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे इस सफलता को हासिल करने वाली प्रदेश की पहली शूटर बन गई। ठीक है, प्रियांशी गुप्ता 19 मई 2019 को अखिल भारतीय साहित्य परिषद की काव्य गोष्ठी डे केयर सेंटर टीकमगढ़ में आयोजित की गई। कौन है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की कास्ट काव्य गोष्ठी डे केयर सेंटर टीकमगढ़ में 19 मई 2019 को। अगला है, 20 मई 2019 को अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शिखर ने मध्य प्रदेश के प्रभारी महाधिवक्ता का प्रभार ग्रहण किया है। 22 मई 2019 को छिंदवाड़ा के तामिया की रहने वाली 27 वर्षीय भावना डेहरिया ने, याद रखना भावना डेहरिया माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली प्रदेश की पहली महिला है। ठीक, अगला है, 27 मई 2019 को मध्य प्रदेश टेनिस संघ के तत्वाधान में फ्यूचर टेनिस एकेडमी व श्री कृष्ण टेनिस उद्यान द्वारा ऑल इंडिया टैलेंट सीरीज टेनिस स्पर्धा भोपाल में आयोजित की गई। अगला है, 27 मई 2019 को मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लैंड पुलिसिंग योजना 2019 प्रायोगिक तौर पर लागू करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में देश के टॉप 20 शहरों में मध्य प्रदेश के 6 शहर के सफाई कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अगला है, 28 मई 2019 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से पेयजल स्रोतों के स्थायित्व पर 1 दिवसीय कार्यशाला प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित की गई। अगला है, 28 मई 2019 को राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने संस्कार भारती की स्मारिका वनवासी कला कौशल भारत और काव्य संग्रह थके नहीं हम का विमोचन किया है। अगला है, 29 मई 2019 को मध्य प्रदेश आनंद संस्थान द्वारा विभाग गठन के बाद पहली बार आनंद सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ है। अगला है, 29 मई 2019 को प्रदेश का प्रथम पशु इंसिनरेटर तैयार इको ग्रीन कंपनी ने ग्वालियर के केदारपुर में 2.5 करोड़
रुपी खर्च कर प्रदेश का पहला इंसिनरेटर स्थापित किया, इसमें मृत पशुओं का निष्पादन किया जाएगा। 30 मई 2019 को प्रदेश के सीहोर जिले की 24 वर्षीय मेघा परमार ने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह की है। ठीक है, मेघा परमार। ठीक है, अगला है जून 2019 का करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तीन जून 2019 को मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। याद रखिए, 3 जून को 2019 में 27% आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। ठीक, अगला है 4 जून 2019 को नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा, नामदेव दया दास त्यागी कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा क्षिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। अगला है डॉक्टर ललित श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ चैप्टर इकोइन द्वारा रायपुर में कम्युनिटी ऑफ थेल्मोलॉजी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेसिडेंट ऑरेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिए, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव को। आगे बात करते हैं, 4 जून 2019 को इंदौर मधुसूदन पाटीदार ने माउंट एल्बस काकेशस पर्वत रूस का पर्वतारोहण किया। इससे पहले वे माउंट एवरेस्ट और किलीमंजारो दक्षिण अफ्रीका का पर्वतारोहण कर चुके हैं। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 20 जनवरी 2020 को हिंदी ओलंपियाड 2020 का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान IAIGGPA भोपाल में सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस प्रारंभ किया। यह इस प्रकार का देश में 5वां सेंटर है। अगला है 5 जून 2019 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोरेरी तालाब पर राष्ट्रीय स्तर का पिथम पक्षी पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। 5 जून 2019 को मध्य प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकारी आयोजनों में डिस्पोजल प्लास्टिक और कैरीबैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवसर पर थीम थी वायु प्रदूषण रखी गई थी। भारत सरकार एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की थीम पर आधारित हवा आने दो गीत लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं हम लोग, विश्व बैंक के सहयोग से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड अंचल के 10वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित लगभग 1000 तालाबों को पुनर्जीवित कराया जाएगा। 6 जून 2019 को मध्य प्रदेश के जनजातीय संग्रहालय भोपाल के 6वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन एवं प्रदर्शनी लिखंदरा एवं अभिव्यक्ति केंद्र पर ध्वनि का रूपक का लोकार्पण किया है। अगला है, हाल ही में इंदौर शहर के 17 वर्षीय फोटोग्राफर अंशुल खत्री की खींची हुई तस्वीर यूनेस्को वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन में शामिल की गई है। ये तस्वीर इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाले वाली से गैर की थी शहर की थी। आगे बात करते हैं, 8 जून 2019 को मध्य प्रदेश में देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने एवं नॉलेज कमीशन का गठन करने की घोषणा की गई है। याद रखिए, देश का प्रथम कौशल विकास विश्वविद्यालय और नॉलेज कमीशन का गठन करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राइट टू वाटर व्यवस्था लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकाय में से 258 नगरीय निकाय में पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में मुंबई के तकनीकी प्रोजेक्ट मैनेजर वेंकट पवन कुमार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का बांचा भारत का पहला ऐसा गांव है जहां सिर्फ सौर चलित ऊझे चूल्हे पर खाना पकता है। कौन है? बैतूल का बांचा। ठीक है, अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में
हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में राज्य जलवायु परिवर्तन प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। अगला है 10 जून 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री रविशंकर झा को नियुक्त किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजनगर निगम नियोजन संस्था में GIS स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। अगला है 12 जून 2019 को वर्ष 2019 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 से 20 दिसंबर 2019 तक आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आयोजन को मंजूरी दी गई है। तो याद रखिए, इंदौर में हुई है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। अगला है 11 जून 2019 को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में केंद्रीय जेल के गठन को मंजूरी दी गई है। अगला है इंदौर के पित पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की गई 66 फीट। ठीक है, आगे बात करते हैं। 13 जून 2019 को ADG इंदौर IPS वरुण कपूर को उनके साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में सक्रिय योगदान पर भूटान में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया है वरुण कपूर को। ठीक है, अगला, हाल ही में भोपाल की युवा लेखक निर्देशक सुदीप सोहिनी की लघु फिल्म रूप जजो तीन बड़े रूपज जो तीन बड़े फिल्म फेस्टिवलों का हिस्सा बनने जा रही है। यह फिल्म 9 जून 2019 को 9वें पुणे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2019 में शामिल हुई। इस फिल्म का चयन अप्रैल 2020 में होने वाले 10वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल के लिए भी किया गया है। अगला, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट शुरू किया गया है। याद रखना, उज्जैन में देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट शुरू किया गया है। हाल ही में दिल्ली NCR की तर्ज पर भोपाल कैपिटल एरिया और इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाने की घोषणा की गई है। अगला है 16 से 17 जून 2019 के मध्य बुरहानपुर जिले में मुमताज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। याद रखना, बुरहानपुर जिले में मुमताज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है तथा पूर्व मिस इंडिया रुचि तिवारी को इस फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, रुचि तिवारी। ठीक है, अगला है 29 जून 2019 को माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान का 36वां स्थापना दिवस भोपाल में मनाया गया तथा मानव सप्रे पुरस्कार 2019 श्याम लाल यादव को प्रदान किया गया। याद रखना है। अगला है 19 जून 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे, हाल ही में दिए गए सर्वेक्षण के आधार पर मध्य प्रदेश की डिंडोरी जिला विशेष पछड़ी जनजाति वेगा समूह को 5-7 बसाहटों के प्रवास अधिकार देने में प्रथम स्थान पर रहा। याद रखिए, डिंडोरी। अगला, 19 जून 2019 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर जबलपुर ग्वालियर में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में हाल ही में भूमि सीमांकन के लिए कोरम कंटिन्यूसली ऑपरेशन रिफ्रेशन सिस्टम स्टेशन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें IIT इंदौर को 68वां स्थान मिला है। याद रखने, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT इंदौर को 68वां स्थान मिला है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सोलर पंप के क्षेत्र में कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ देश को अंतर्राष्ट्रीय विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। 28 जून से 7 जुलाई 2019 तक शिवपुरी में अवध कॉटन फेस्टिवल एक्सपो का आयोजित किया गया।
अब बात करते हैं हम लोग जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स की, ठीक है, मध्य प्रदेश का देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 15 अगस्त 2019 से मध्य प्रदेश में महा आयुष्मान योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 7.50 लाख तक इलाज मुफ्त मिलेगा। अगला है 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें आरजीपीबी विश्वविद्यालय भोपाल को देश का दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। 1 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस विशेष सशक्त बल की 14वीं बटालियन द्वारा एक परिवार एक पौधा अभियान प्रारंभ किया है। आगे बात करते हैं 6 जुलाई 2019 को जबलपुर जिले के पड़वार बरेला में गौर नदी पर गेबियन बोल्डर बांध का लोकार्पण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। अगली है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में नागदौर यात्रा का आयोजन 25 जुलाई से 6 अगस्त 2019 के मध्य किया जा रहा है। अगला है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय का कुलपति पंकज राय को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संजय गांधी पर्यावरण मिशन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ पौधे रोपण किया जाएगा। अगला है मैगजीन फोर्स इंडिया द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में इंदौर जिले की शॉप किराना को देश के की बेबी कॉर्न कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश रायसेन में खरवई गांव के समीप केंद्र सरकार द्वारा चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर निर्मित किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं हाल ही में माधव सिंधिया कृषि 3 पचमंडी उज्जैन की प्रथम मंडी बन गई, जहां राष्ट्रगान प्रारंभ किया गया है। हाल ही में माधव सिंधिया कृषि 3 पचमंडी मंडी उज्जैन प्रदेश की प्रथम मंडी बन गई, जहां राष्ट्रगान प्रारंभ किया गया। 9 जुलाई 2019 से मध्य प्रदेश में जन अधिकार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश में 30 अगस्त 2019 तक QCI क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया द्वारा गांव की स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बीज संघ ने सह बीज मानक नामक ब्रांड बीज उत्पादन करने का निर्णय लिया है। अक्टूबर 2019 से सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था के लिए ग्वालियर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन निवासी अपाल मिश्रा ने हाल ही में अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में IBWF कोटे डी आइवरी इंटरनेशनल 2019 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 8 जुलाई 2019 को सेराजन इंडिया द्वारा भारत के 5वें और मध्य प्रदेश के पहले ड्रीम विद्यालय डेरू में उज्जैन जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पनवासा का चयन किया गया है। आगे हाल ही में श्री चंद्रशेखर रायकवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। आगे हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले को जन्म के समय बाल लिंग अनुपात वृद्धि के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 7 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। 9 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में गरीबी स्तर 29 राज्यों में से 27वें स्थान पर रखा गया है। खरगोन जिले के निवासी ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने 12 से 20 जुलाई 2019 तक जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। हाल ही में मध्य प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नया ब्रांड एम्बेसडर
शुभांगिनी शर्मा व देशना जैन को बनाया गया है, याद रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में 7 करोड़ की लागत से लखुंदर नदी पर बांध निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आगे बात करते हैं, 23 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ आओ सोच बदलें जीवन बदलें पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक हैं रवि सक्सेना। कौन सी? आओ सोच बदलें जीवन बदलें पुस्तक के लेखक हैं रवि सक्सेना। 20 जुलाई 2019 को लालजी टंडन मध्य प्रदेश के 28वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। उन्होंने 29 जुलाई 2019 को शपथ ली है, याद रखिए 28वें नंबर के हैं। 23 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण विधेयक पारित किया गया। 1 अगस्त से 20 अगस्त 2019 तक मध्य प्रदेश के 34 जिलों में कुष्ठ रोगी खोज अभियान संचालित किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर रेडू जैन को देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में धार जिले के मांडू में मोगली पार्क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ जनगणना की गई, जिसके अनुसार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बाघ 526 मध्य प्रदेश में तथा प्रदेश मध्य प्रदेश पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की दो करंट अफेयर्स के बारे में, 2000 अगस्त 2019 के बारे में, अगस्त माह के सभी करंट अफेयर्स देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2017-18 में मध्य प्रदेश को देश का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि गुजरात को प्रथम, दिल्ली को अंतिम स्थान। ठीक है, याद रखिए गुजरात पहले पर है, दिल्ली अंतिम पर है। अगला है, मध्य प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य वर्धक मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध अभियान प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित अर्बन इनोवेशन समिट में ग्वालियर स्मार्ट सिटी योजना कॉरपोरेशन को हेरिटेज पर बेहतर फिकार से कार्य करने के लिए सम्मान कॉरपोरेशन के सीईओ महीप तेजस्वी को प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश सरकार ने पुराने वाहन खरीदने और बेचने पर कर हरित कर लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने मोटर यान कराधान विधेयक 2019 को विधानसभा में मंजूरी प्रदान की है। आगे, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गुलशन कुशवाहा ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। गुलशन वर्तमान में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से चित्रकला विभाग से BFA स्टूडेंट है। ठीक, गुलशन कुशवाहा। अगला है, मध्य प्रदेश इंदौर शहर में बैडमिंटन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए शहर के इस्लामिया करीमिया कॉलेज में IK बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। राजा राम मोहन राय बैडमिंटन अकादमी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग्य प्रशिक्षकों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगला है, मध्य प्रदेश के इंदौर के शासकीय गायक गौतम काले को पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किन्हें? गौतम काले को पंडित मनमोहन भट्ट मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान जयपुर में संगीत कला निकेतन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विख्यात मोहन वीणा वादक पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट और सात्विक वीणा वादक पंडित सलिल भट्ट ने प्रदान किया है। मध्य प्रदेश भोपाल की नेहा स्नेहा यादव को यंग साइंटिस्ट इंसा मेडल 2019 से भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। स्नेहा यादव वर्तमान में स्नेहा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र तिरुअनंतपुरम में वैज्ञानिक हैं। आगे बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा में सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग स्पर्धा में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 14 पदक जीते हैं। इनमें 4 स्वर्ण हैं, 1 रजत पदक, 9 कांस्य पदक। इसमें मोहन कनौजिया हिमांशु शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक और शिवम सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, शिवम सिंह ने। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सचिन अतुलकर की
टीम को उनके द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पवित्र व अन्य अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे श्री देवाशीष दास को राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर के नया निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को की गई थी। राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में है, देवाशीष दास। आगे बात करते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश की सरकारी और CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास प्रारंभ करने का फैसला किया है। यह नर्सरी कक्षा से प्राथमिक वर्ग की कक्षाओं के बच्चों के लिए रहेगी। झाबुआ में आयोजित राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 72 किलोग्राम भार वर्ग में मुरैना की ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर अगले एक साल के लिए पावर वूमेन ऑफ MP का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के 6 जिलों राजगढ़, सीहोर, आगर मालवा, शाजापुर, विदिशा, सागर की 24 लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 137 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना को पूरा करने पर प्रदेश की 8,979 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अगला है, मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस ने क्रोएशिया के ओसी जैक शहर में संपन्न प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर पैरा वुमेन इवेंट में कांस्य पदक जीता है। आगे ग्वालियर की सोनी चौहान ने दिल्ली वाई बैंड कॉन्सेप्ट संस्था की ओर से आयोजित मैसेज इंडिया गैलेक्सी 2019 प्रतियोगिता में गोल्ड कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया है। आगे बात करते हैं, इस स्पर्धा की सेकंड रनअप उज्जैन की सिद्धा गुप्ता रही हैं। आगे बात, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एवरेस्ट पर्वत तय करने वाले प्रदेश की प्रथम पर्वतरोही कुमारी मेघा परमार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेघा परमार 2 अगस्त 2019 को ट्रस्ट मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लेकर रूस के एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ाई की। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के ग्राम आमदा पान सेमल ब्लॉक में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्कूल प्रबंधन सुविधाओं रख रखाव व गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानक मापदंड के पालन पर यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आगे सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सफाई, साफ सफाई से सहित 350 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश के 52 जिलों में कायाकल्प अवार्ड दिया गया, जिसमें प्रदेश का जबलपुर जिला अस्पताल को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार हरदा, धार, छिंदवाड़ा के जिला अस्पतालों को इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन करने के लिए फास्टेट इम्प्रूविंग इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया। लगातार उत्कृष्टता पुरस्कार सपना और भिंड जिला अस्पताल को दिया गया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल में इस वर्ष 5.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए बजट में 6,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना में 40% राशि सरकार और 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग को भोजपुरी साहित्य अकादमी द्वारा 2 दिवसीय कजरी समारोह बैतूल में आयोजित किया गया। इसमें पटना व लखनऊ के लोक गायकों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS में नॉमिनी को राशन देने की सुविधा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। इस प्रणाली में अब निःशक्त वृद्ध आदि उपभोक्ताओं के स्थान पर उसके द्वारा नामित नॉमिनी राशन ले सकेंगे। आगे बात करते हैं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 22 जिलों में आधारित राशनिंग व्यवस्था में यह सुविधा प्रदान की गई। आगे
मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले संजीव राजपूत को हराकर 12वीं सरदार सज्जन सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आगे इंदौर वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 8 अगस्त को उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 15 अगस्त मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के ग्राम कोहत रैयत में लगभग 100 एकड़ जमीन में आर्किड पार्क विकसित किया जा रहा है। इस पार्क में मुख्य रूप से गुलाब, रजनीगंधा और दरवेरा आदि फूलों का उत्पादन होगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान को बंद करने का निर्णय लिया है। इस कारण कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों की देखरेख, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निर्माण कार्य जो से अभियान के अंतर्गत संचालित किए जा रहे थे, इनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के धार और नीमच जिले में खरमौर संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए कैंपा फंड से 153 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। खरमौर पक्षी धार के सरदारपुर अभ्यारण्य, शिवपुरी के करेरा और ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री तथा दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया। सुषमा स्वराज विदिशा लोकसभा सांसद थी 17वीं लोकसभा से पहले 16वीं लोकसभा में। ठीक है, याद रखना, ये विदिशा से चुनी जाती थी। अगली खबर है, मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने धार जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में मांडो डोजियर एवं कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। इस डोजियर में मांडो का मानव जीवन कला, संस्कृति, वस्तुशिल्प, मौसम विज्ञान आदि की जानकारी शामिल है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने 6 अगस्त 2019 को भोपाल के शासकीय जय विकास नारायण अस्पताल में प्रदेश के पहले ऑब्स्टेट्रिक आईसीयू और मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश का शुभारंभ किया है। अमृत कलश बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पात और सुसेना हेल्थ फाउंडेशन के सहयोग से अत्याधुनिक तकनीक व उपकरण प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने अमरकंटक के दुर्लभ रुद्राक्ष और खंडवा के रोजबुड के जंगलों को कैंपा फंड का प्रयोग करके पुनर्जीवित करवाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर का 21 अगस्त 2019 को निधन हो गया। वे बुलडोजर उपनाम था उनका। ठीक है, याद रखिए, बुलडोजर बाबूलाल गौर का उपनाम था और इनका निधन हो गया 21 अगस्त 2019 को। अगली खबर है, अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम अधिनियम 1972 में संशोधन के अध्यादेश को स्वीकृति दी गई। इसके तहत प्रदेश के नवासी आदिवासी विकास खंडों में केवल लाइसेंस धारक साहूकार ही ब्याज पर ऋण दे सकेंगे। अगला है, 20 अगस्त 2019 को आतंकवादियों के मुठभेड़ में शहीद ग्वालियर के कर्नल अशोक कुशवाहा जी को 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा। याद रखना, कर्नल अशोक कुशवाहा जी को। अगला है, 24 से 26 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर में गेहूं और जौ पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय गेहूँ अनुसंधान केंद्र करनाल और इंदौर के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। अब बात करते हैं सितंबर 2019 के माह की, मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स। सितंबर 2019, अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया गया है। अगली खबर है, आदि जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया तथा उपाध्यक्ष श्री ओमकार सिंह हैं। मध्य प्रदेश में प्रत्येक आदिवासी परिवार को जरूरत पड़ने पर 10,000 रुपये
तक ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी गई। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में आधुनिक कैथ लैब का प्रारंभ हुआ है। मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर को डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 मंजूर एहतेशाम को प्रदान करने की घोषणा की गई है। याद रखिए, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान मंजूर एहतेशाम को प्रदान करने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं, 6 सितंबर 2019 को भारत के सबसे स्वच्छ आइकॉन प्लेस के रूप में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को पुरस्कार प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का 13 सितंबर 2019 को 25वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखना, 25वां स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे बात करते हैं, 16 से 17 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय असेसमेंट समिट ऑफ एजुकेशन एंटीसिपेटिंग द फ्यूचर ऑफ असेसमेंट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। अगला है, मध्य प्रदेश खंडवा जिले की पंधाना में मध्य प्रदेश की प्रथम गौ चिकित्सालय खोले जाने की अनुमति दी गई है, स्वीकृति प्रदान हुई खंडवा के पंधाना में। ठीक है, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। आगे बात करते हैं, भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। आगे, मध्य प्रदेश जबलपुर शहर में युवाओं के कौशल शिक्षण के लिए मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला है, निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के रातीवड़ भोपाल से किया गया। अगला है, 19वीं इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के नेहरू स्टेडियम में 10 नवंबर को किया गया। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया है। इंदौर नगर निगम को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम में हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। अगला है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा फेज 2 में प्रथम उपविजेता स्वच्छ आइकॉनिक स्थल घोषित किया गया। अब बात करते हैं आगे, मध्य प्रदेश के रीवा जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय शिशु लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। मध्य प्रदेश को पर्यटन श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आगे, मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोवा और मध्य प्रदेश रोमांचक पर्यटन श्रेणी के संयुक्त विजेता रहे हैं। केंद्रीय और सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में औद्योगिक केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम प्रतियोगिता में धार जिले के रहने वाले हितेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बात करते हैं, खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के धार जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित किया जाएगा। याद रखना, धार जिले में। अगला है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की यूनिवर्सिटी में ऊर्जा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो रेलवे स्टेशन को ISO 14,000:2015 14,001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। खजुराहो रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण विश्व स्तरीय है। आगे बात करते हैं, प्रख्यात कवि श्री मणिक वर्मा को का निधन हो गया।
मूलतः ये हरदा के निवासी थे, परंतु कुछ समय से इंदौर में रहने आ गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 1500 स्मार्ट क्लासेस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार और कॉलेजियम के मध्य विवाद के पश्चात जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा गृह ज्योति योजना को नए स्वरूप में 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया। आगे, मध्य प्रदेश रामराजा सरकार मंदिर ओरछा मंदिर को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया। आगे, मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर उज्जैन जबलपुर ग्वालियर शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा। याद रखिए, भोपाल इंदौर उज्जैन जबलपुर ग्वालियर। आगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर से उत्कृष्टता केंद्र द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। आगे, मध्य प्रदेश के भोपाल के सांसद मंजर भोपाली को डॉक्टर शिव बहादुर सम्मान से सम्मानित किया गया। सांसद मंजर भोपाली, ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे, नर्मदा नदी के पौराणिक महत्व एवं सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व के कारण विश्व विरासत स्थल में शामिल कराने की कोशिश प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। आगे बात करते हैं, एयरपोर्ट एशियाई पैसिफिक सैंडी में आने वाले देशों में इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 3 अलग अलग श्रेणियों में बेस्ट अवार्ड प्राप्त हुए। यह पुरस्कार पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। आगे बात करते हैं, इंदौर की खिलाड़ी सरिता चौबिक ने इंग्लैंड के बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ एंड जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। सरिता ने जूनियर बालिकाओं के 48 किलोग्राम वजन वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं, म्यांमार में आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कमल चावला ने कांस्य पदक जीता है। डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल को अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा का उप कुलपति नियुक्त किया गया। याद रखना, डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश कि उमरिया जिले में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर की विलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2019 को पीथमपुर में 300 करोड़ की लागत से तैयार स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क तथा 250 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली नर्मदा छिपरा औद्योगिक जलावर्धन योजना और सिंघासा में 116 करोड़ की लागत से बने आईटी पार्क में बने आईटी भवन का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री द्वारा मैग्निफिसेंट एमपी समिट 2019 में जनसंपर्क विभाग द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ किया है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने नीमच जिले की रतनगढ़ रेंज के बामनबड़ी गांव में दुर्लभ वन्य प्राणी भारतीय पेगोलियन का रेस्क्यू किया है। यह पहला मौका है जब नीमच में पेगोलियन पाया गया। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 164 औद्योगिक इकाइयों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत शून्य निवेश आधारित कुल 10.7 मेगावाट क्षमता के रेस्को मॉडल के सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। देश में इस तरह की पहल करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश मंत्री परिषद ने 15 अक्टूबर 2000 को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजनाओं के प्रवर्तन के क्रम में मध्य प्रदेश के बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 का अनुमोदन प्रदान किया है। आगे, भारत के RCVP नरोन्नेहा प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के 3 दिवसीय 64वें
अधिवेशन का आयोजन 19 से 21 अक्टूबर 2019 तक किया गया। आगे मध्य प्रदेश राज्य के बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश एमच्योर वॉलीबॉल संघ और खेल संघ एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 20 से 23 अक्टूबर 2019 तक टीटी नगर स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 13 तथा महिला वर्ग की 12 टीम भागीदारी करेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष महानिदेशक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने किया है। आगे बात करते हैं इंदौर में 19 अक्टूबर 2019 को महिला शाखा कैब की शुरुआत होगी। इंदौर की संस्था समान सोसाइटी दिल्ली के आज़ाद फाउंडेशन और संख विंग के द्वारा शाखा कैब सुविधा प्रारंभ की जा रही है। आगे मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां शिक्षकों के स्थानांतरण ऑनलाइन प्रारंभ की गई। अगले शिक्षा सत्र से सभी शासकीय स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में भी NCERT कोर्स लागू किया जाएगा। आगे है वर्ष 2018 के लिए वागेश्वरी पुरस्कारों के लिए कविता विधा में तिथि दानी जबलपुर में, वर्तमान में ये लंदन में निवास कर रही हैं। कौन के कविता संग्रह पार्थ नारद बतख के लिए गीत गजल विद्या में दौलत राम प्रजापति को लटेरी निवासी को उनकी गजल संग्रह दिया रोशन हुआ तथा कथेतर गद्या विद्या में बाबू शाह कोहली को जबलपुर को उनके ये जबलपुर के उनके गद्य कविता संग्रह 52 चिट्ठियां के लिए प्रदान किया जाएगा। कहानी उपन्यास विधा में बागेश्वरी पुरस्कार इस बार मीनाक्षी नटराजन मंदसौर को उनके मीनाक्षी नटराजन मंदसौर को उनके उपन्यास अपने अपने कुरुक्षेत्र के लिए एवं रेडियो सखी रूप में मशहूर ममता सिंह को ये जबलपुर की हैं। वर्तमान में ये विविध भारती मुंबई में सेवारत हैं। को उनके कहानी संग्रह सराग मारवा के लिए दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं 18 अक्टूबर 2019 को लखनऊ में आयोजित 16वीं इंडियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में उज्जैन के दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता ने 4 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक प्राप्त किए। दिलीप जोशी ने स्विमिंग में चारों स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर अखिल भारतीय स्तर पर व्यक्तिगत चैंपियनशिप का खिताब भी हासिल किया है। वहीं सुभाष गुप्ता ने लगातार 9वें साल इस चैंपियनशिप में पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिए दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता। अगला है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उद्भव उत्सव का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उद्भव उत्सव का आयोजन करने वाली संस्था उद्भव के अध्यक्ष डॉक्टर केशव पांडे हैं, सचिव हैं दीपक तोमर। इस महोत्सव की शुरुआत 31 अक्टूबर 2019 को आनंदोत्सव से हुई जिसमें विभिन्न देशों प्रांतों से आए सांस्कृतिक दलों के कलाकार अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह उद्भव उत्सव का 16वां आयोजन है। आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में 10 से 12 नवंबर 2019 तक जनजातीय साहित्य महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। आगे ग्वालियर के शहरवासियों की समस्याओं का निराकरण अब सुपर 66 अभियान के तहत किया जाएगा। ग्वालियर नगर निगम द्वारा अभियान का प्रारंभ 23 अक्टूबर 2019 को हुआ है। आगे बात करते हैं होशंगाबाद तथा छिंदवाड़ा जिले में नए बागवानी केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले के बाबई में 114 एकड़ भूमि तथा छिंदवाड़ा में 100 एकड़ भूमि विकसित औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिन्हित की गई। आगे बात करते हैं विदेश सरकार ने अधिवक्ता श्री शेखर शर्मा को अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। आगे बातें हैं कृषि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन में ऊर्जा प्रभार की दर गत वर्ष की तुलना में 50% कम कर दी गई है। वर्ष 2019 में 3 हॉर्स पावर तथा 5 हॉर्स पावर के लिए 3 माह विद्युत कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः 4674
तथा 7620 रुपये प्रभाग तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 5224 तथा 8571 रुपये प्रभार ऊर्जा व्यवहार व्यवहार निर्धारित किया गया। आगे बात करते हैं अबू धाबी ओपन रिगाटा चैंपियनशिप में 2019 के लेजर 4.7 स्पर्धा में मध्य प्रदेश अकादमी की खिलाड़ी रितिका दांगी ने देश के लिए स्वर्ण पदक तथा बालक वर्ग में अकादमी के ही खिलाड़ी राम मिलन यादव ने कांस्य पदक जीता है। याद रखिए, रितिका दांगी ने स्वर्ण पदक और राम मिलन यादव ने कांस्य पदक। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा ओंकारेश्वर को पवित्र नगर घोषित किया गया। इस नगर में तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के अनुसार ओंकारेश्वर विकास योजना 2031 मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। आगे बात करते हैं 24वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन उज्जैन में किया गया। कलावर्ग न्यास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला 4 दिवसीय कला पर्व के रूप में 4 से 7 नवंबर 2019 तक उज्जैन में आनंद मंगल परिसर उद्योग मार्ग पर हुआ है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में समाज सेवियों शिक्षाविदों के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। मध्य प्रदेश के शासन ने 136 शासकीय तथा 100 शासी विद्यालयों की जन भागीदारी समितियों के अध्यक्षों का मनोनयन किया है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में निरोगी काया अभियान 20 सितंबर से 20 नवंबर 2019 तक चलाया गया। यह अभियान 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए असंचारी रोगों से जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की जानकारी, बचाव और उपचार के लिए चलाया जा रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में युवा कार्यक्रम नियमित रूप से स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एमपी माय गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से सरकार और नागरिकों के मध्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी के लिए सहभागिता स्थापित करना है। एमपी माय गवर्नमेंट की टीम द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को भोपाल स्थित के एनपी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नागरिक सहभागिता के लिए जन संवाद युवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंपेस्ट स्वच्छता पर्यावरण मित्र सम्मान 2019 में से डॉक्टर चंद बहादुर सिंह दांगी को सम्मानित किया है। याद रखिए, कॉम्पिस्ट स्वच्छता पर्यावरण मित्र सम्मान 2019 मिला है डॉक्टर चंद बहादुर सिंह को। आगे बात करते हैं संस्कृति विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा 29 अक्टूबर 2019 को राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में उर्दू नज्म और गज़ल पर सेमिनार और महफिल ए मौसीकी का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के स्कूलों में स्टीम योजना प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक नई नीति और शिक्षा पद्धति लागू की गई। नई पद्धति सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित पर आधारित है, जो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों की शिक्षा पद्धति पर कार्य करेगा, जिसमें सभी विषयों को एक ही पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, जिसे छात्र एवं साथ सभी विषयों को पढ़ सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार डायल 1962 पशुधन संजीवनी योजना के तहत डॉक्टर की फ्री होम विजिट बंद करने जा रही है। 1 नवंबर 2019 से पशुधन संजीवनी के अंतर्गत पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 100 रुपये प्रति पशु लेना सुनिश्चित किया गया। आगे बात करते हैं राज्य में वन्य प्राणी पर्यटन संबंधी निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। वन मंत्री एवं पर्यटन मंत्री को समिति का सदस्य बनाया गया है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को मध्य प्रदेश आरोग्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित संचालन समिति जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एम गोपाल रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई है। अगला, इंदौर का स्नूकर खिलाड़ी अमी कमानी और मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की
माही लामा वर्ष 2018 में एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला स्कूनर बन गई। अमी कमानी ने पिछले दिनों म्यांमार में खेली गई IBSF वर्ल्ड सिक्स रेड में स्नूकर चैंपियनशिप में देश को रजत पदक दिलाया था। आगे बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने 25 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पूर्व डीन स्वर्गीय डॉक्टर एच के टी राजा की स्मृति में बनाए गए ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया है। अगला है, कांग्रेस प्रत्याशी क्रांति लाल भूरिया द्वारा झाबुआ उपचुनाव जीतने के पश्चात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कुल विधानसभा सदस्य 115 हो गए। ठीक है, अभी 114 थे, तो याद रखिए, क्रांति लाल भूरिया द्वारा झाबुआ उपचुनाव जीतने के पश्चात मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कुल विधानसभा सीटें 115 हो गई। पुणे में 1 से 7 अक्टूबर 2019 तक आयोजित चतुर्थ SNPP अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता अंडर 16 बालक के अंतर्गत फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8-2 से SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अमृतसर को शिकस्त देकर विजेता का खिताब अपने नाम किया है। अकादमी के खिलाड़ी PS धूमपे ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और अली अहमद को बेस्ट फॉरवर्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बात करते हैं, राजस्थान में 3 से 6 अक्टूबर 2019 तक आयोजित CBSE स्कूल गेम्स बॉक्सिंग प्रतियोगिता अंडर 19 में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के मुक्केबाज अभिनव भार्गव ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, अभिनव भार्गव। अगला है, मध्य प्रदेश में हाई स्कूल रेमेडियल क्लास का आयोजन 5 अक्टूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। रेमेडियल क्लास के तहत 9वीं और 10वीं की छात्र छात्राएं का हर महीने टेस्ट होगा। टेस्ट में कम नंबर आने या अच्छे से जवाब नहीं देने वाले छात्र छात्राओं को दोबारा उसी टॉपिक पर को पढ़ाना होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने गणित, हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान का मॉड्यूल तैयार किया है। आगे बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में 4 से 10 नवंबर तक टैगोर की स्मृति में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा सभी आयु के वर्ग के स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सिटी वॉक फेस्टिवल आयोजित किया गया। सिटी वॉक फेस्टिवल 11 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, पन्ना, विदिशा, खजुराहो, चंदेरी, जबलपुर, बुरहानपुर, ओरछा में आयोजित किया गया है। याद रखना, 11 शहर कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, पन्ना, विदिशा, खजुराहो, चंदेरी, जबलपुर, बुरहानपुर, ओरछा में आयोजित हुए हैं। आगे बात करते हैं, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के KV नंबर 2 सतना, KV शिवपुरी, KV बैतूल पर केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की है। अगला है, भोपाल निवासी माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में जन संचार विभाग सिनेमा को समर्पित 5 दिवसीय फिल्म एप्रिसिएशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी कार्यशाला 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई। उमरिया जिले की 80 साल की जोधिया बाई बनाई गई हैं द्वारा बनाई गई पेंटिंग प्रदर्शनी को इटली के मिलान में लगाया गया। उनके चित्रों को प्रदर्शनी के इनवाइटिंग लेटर के कवर पेज पर जगह मिली। भोपाल के बोन ट्राइबल आर्ट सेंटर की सहायता से मिली जोधिया को पहचान। जोधिया बाई उमरिया जिले के लोरहा गांव में से संबंधित हैं। अगला है, 13 वर्ष की इंदौर की गोताखोर पलक शर्मा ने एशियाई आयु वर्ग स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी के साथ पलक देश सहित मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण जीता। इससे पहले इसी टूर्नामेंट में उन्होंने 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में रजत पदक जीता। मध्य प्रदेश की पहली गोताखोर जिन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं।
मध्य प्रदेश गौ रक्षा एवं निराश्रित गायों के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना आरंभ की गया। मध्य प्रदेश में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह 2019 का आयोजन खंडवा के पुलिस कल्याण भवन में मैदान में हुआ है 13 अक्टूबर 2019 को। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश विभाग शासन के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रिय दर्शन चेन्नई को सम्मानित किया है, याद रखिए। अगला है भोपाल हाट में स्व सहायता समूहों द्वारा 10 दिवसीय सरस मेला 11 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया। मेले में 10 राज्यों के 171 स्व सहायता समूह भाग लिया है, जिसमें से मध्य प्रदेश के 36 जिलों में कि स्व सहायता समूह शामिल हैं। अगला है 11 अक्टूबर 2019 को गौ रक्षा और गौ संरक्षण के लिए आमजन से सहयोग प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कोई भी व्यक्ति और व्यवसायिक संस्था इस पोर्टल www.gopalanboard.mp.gov.in के जरिए गोदान कर सकते हैं। दान देने वाले व्यक्ति को आयकर की धारा 80G का लाभ दिया जाएगा। आगे बात करते हैं खंडवा से 45 किलोमीटर दूर इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर जनपद पंचायत हरसूद जिला पूर्व निर्वाण खंडवा में स्थित सिंघाजी समाधि स्थल पर मेले का आयोजन 8 से 17 अक्टूबर 2019 तक किया जाएगा। संत सिंघाजी को निवाड़ का कवि कहा जाता है। संत शिरोमणि सिंघाजी का जन्म बड़वानी के खजूरी गांव में हुआ था, याद रखना। अगला मध्य प्रदेश शासन ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए महिला बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया है। अगला है भोपाल में 11 अक्टूबर 2019 को अस्थि रोग चिकित्सकों को का सम्मेलन नेल्स कॉन नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरलॉकिंग सर्जन का 19वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है 15 अक्टूबर 2019 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर संजीवनी 108 जननी एम्बुलेंस रिप्लेसमेंट सेवा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 40 नई एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत संजीवनी 108 जननी एम्बुलेंस सेवा का संचालन फोन नंबर 108 कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। आगे बात करते हैं सौर स्मारक की तीसरी वर्षगांठ मनाई गई। सौर स्मारक भोपाल शहर के केंद्र में अरेरा पर पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अमर शहीदों की योद्ध एवं सौर गाथाओं की आम जनता को अनुभूति कराने हेतु भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2016 को देश को समर्पित किया गया था। पर्यटन की दृष्टि से अब यह भोपाल का ही नहीं बल्कि भारत का एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया। आगे बात करते हैं काराकल्प अभियान पुरस्कार 11 अक्टूबर 2019 को स्टैन ऑडिटोरियम इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के कायाकल्प अस्पताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष ई रिक्शा के क्षेत्र को प्रोत्साहन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष में ई रिक्शा के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 150 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। आगे मध्य प्रदेश ने नई भू संपदा नीति 2019 के अंतर्गत निवेशक को एक बार लाइसेंस लेने के पश्चात 5 वर्ष मंजूरी की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा 5 अक्टूबर 2019 को स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्टार्टअप की निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का भी गठन होगा। बेस्ट स्टार्टअप को सरकार द्वारा 1 लाख का पुरस्कार प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर में स्टार्टअप केंद्र खोले जाएंगे। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश ने
पर्यटन नीति में संशोधन को 15 अक्टूबर 2019 को मंजूरी दी है। अब रोजगार को प्रोत्साहन करने के लिए पर्यटन क्षेत्र में निजी भवन का इस्तेमाल भी पर्यटन के लिए किया जा सकेगा। दो तिहाई भवन का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए करने की अनुमति होगी। मध्य प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरण के लिए भूमि पूलिंग नीति लाएगी। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक 15 अक्टूबर 2019 को निम्न निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन। मध्य प्रदेश गौण खनिज नीति 1996 में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया और गौण खनिज आधारित न्यूनतम 25 करोड़ रुपये निवेश से नवीन औद्योगिक विस्तार के प्रस्तावों पर 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी लेने पर सीधे उत्खनन पट्टा आवंटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। शहरी सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ बनाने और शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने तथा गैर पेट्रोलियम वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य इस नीति में चार्जिंग अधोसंरचना विकास इलेक्ट्रॉनिक वाहन और उसके घटकों का के निर्माण पर छूट का प्रावधान है। इस नीति के तहत अगले 5 साल में 20,000 बसें खरीदी जाएंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 15 अक्टूबर 2019 को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने और पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवीन योजनाओं के प्रवर्तन के क्रम में मध्य प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना योजना 2019 को अनुमोदन प्रदान किया है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत निवेश प्रोत्साहन की राशि की अधिकतम सीमा 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नवंबर करंट अफेयर्स के बारे में 2019 का। मध्य प्रदेश का नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में कई नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार मध्य प्रदेश स्कूल में स्टीम योजना लागू करने के संबंध में मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य हो गया। इसके लिए 30 और 31 अक्टूबर को भोपाल में कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कर्नाटक और दिल्ली सरकार के विषय विशेषज्ञ शामिल हुए इसमें। 1 नवंबर 2019 को इंदौर में खाद्य पदार्थ और दवाइयों के जांचने की प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। यह देश की सबसे तकनीकी रूप से सक्षम प्रयोगशाला होगी। इस प्रयोगशाला में जर्मनी और फ्रांस से अत्याधुनिक मशीनें आयात होंगी इंदौर में। ठीक है, 1 नवंबर 2019 को इंडिया सीमेंट कंपनी प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट, एक सीमेंट गैन प्लांट का निर्माण करेगी। इस प्लांट में करीब 3,000 करोड़ व्यय होगा, जिसमें से लगभग 5,000 रोजगार पैदा होंगे। इंडिया सीमेंट कंपनी के मुख्य निर्देशक नारायण स्वामी श्री निवास हैं। अगला खबर है, 1 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य के आसपास की भूमि और पर्यावरण सुधार के लिए चुना गया है। केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसके अंतर्गत देश के 5 राज्यों को चुना है, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। 1 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में ग्रीन स्नातक प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई। ठीक, आगे बात करते हैं, इस विद्यालय का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान में भी अनुबंध है। ठीक है, आगे 1 नवंबर 2019 को विदिशा जिले के कवि दौलतराम प्रजापति को उनके गजल संग्रह दिया रोशन हुआ के लिए वे बागेश्वरी पुरस्कार से भोपाल में सम्मानित किया गया। 1 नवंबर 2019 को 16वीं इंडियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में भोपाल शहर के दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखना, दिलीप जोशी और सुभाष गुप्ता। 1 नवंबर 2019 को मंदसौर में
20 दिनों तक चलने वाले पशु मेले का आयोजन किया गया। पशुपति मंदिर शिवना नदी के किनारे स्थित है। 1 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने खरगोन जिले की साटक और देजला देवाड़ा जलाशय को ग्रामीण पर्यटन स्थल बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को मुंबई में स्थित सिटी लीडर्स कॉन्क्लेव में स्वच्छता के लिए सम्मानित किया गया। 2 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश को यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला की प्रबंधन समिति में कुल 18 सदस्य होंगे। 2 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के सागर जिले की मुस्कान चौरसिया ने कोलकाता में आयोजित मिशन ड्रीम्स मिस इंडिया प्रतियोगिता में आइकॉन डीवा ऑफ इंडिया चुना है। तो याद रखिए मुस्कान चौरसिया। 2 नवंबर 2019 को लखनऊ में आयोजित 16वीं इंडियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में सुभाष गुप्ता ने लगातार 9वें साल इस चैंपियनशिप में पदक जीत का रिकॉर्ड बनाया है। सुभाष गुप्ता। आगामी 2 से 6 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय गुंटूर में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते हैं। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम मोबाइल लाइब्रेरी टीकमगढ़ जिले में प्रारंभ की गई है। याद रखिए मध्य प्रदेश की प्रथम मोबाइल लाइब्रेरी टीकमगढ़ जिले में प्रारंभ की गई है। 3 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 25वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश याद रखिए मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल को बनाया गया है। राज्यपाल ने शपथ लालजी टंडन ने दिलाई। ठीक है याद रखिए 25वें मुख्य न्यायाधीश को है अजय कुमार मित्तल। अगला है सीहोर जिले की 24 साल की मेघा परमार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। मेघा परमार के 3 घंटे बाद छिंदवाड़ा की भावना डेहरिया ने भी एवरेस्ट फतह की है। लंदन में जारी QS रैंकिंग 2020 के अनुसार IIT इंदौर का भारत में 18वां स्थान है, जबकि 2019 में गत वर्ष की रैंकिंग में 13वें स्थान पर था और IIT बॉम्बे प्रथम स्थान पर है। याद रखिए IIT इंदौर 18वें स्थान पर है। 2 नवंबर 2019 को राज्य शासन ने किशोर न्याय नियम प्रारूपण के लिए एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष महिला बाल विकास की प्रमुख सचिव को बनाया गया। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4.2% है, जबकि देश में बेरोजगारी की दर 7.7% है। तो याद रखिए देश से कम बेरोजगारी है मध्य प्रदेश में 4.2%। 3 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में नए हॉर्टिकल्चर हब की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कृषि के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन में ऊर्जा प्रभार की दर गत वर्ष की तुलना में 50% कम कर दी गई। 3 नवंबर 2019 को खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला भवन ग्वालियर में शिलान्यास किया गया है। इसका शिलान्यास आगे 22 से 25 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भोपाल में 72वां इजितमा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल होते हैं। 8 से 14 नवंबर 2019 को अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो ने किया। इस समारोह में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंगकर्मी सुरेंद्र वर्मा को प्रदान किया गया है। याद रखना सुरेंद्र वर्मा। आगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शहरों की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का भोपाल शहर 11वें स्थान पर है।
दिल्ली में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की नित्या जैन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 15 वर्षीय नित्या जैन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। याद रखिए, नित्या जैन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश की प्रथम नाइट सफारी शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इंदौर शहर में उस्ताद आमिर खान और जहांगीर खान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उस्ताद आमिर खान सम्मान अजय पोहंगर और जहांगीर खान सम्मान पंडित किरण देश पांडे को दिया गया है। 5 नवंबर 2019 को अखिल हिंदी साहित्य नासिक द्वारा इंदौर के लेखक रंजना फतेहपुरकर को साहित्य भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के युवराज खरे को स्पीड मीडिया इंटरटेनमेंट द्वारा पत्र पत्रिकाओं में उत्कृष्ट संपादन के लिए बेस्ट एडिटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिए, युवराज खरे हैं, भिंड के हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रथम राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन तत्या टोपे स्टेडियम में किया गया। एक नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के 11 प्रदेश के 11 शहरों में विशेष सिटी फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 11 शहरों में इंडो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की साहेपुर पंचायत की सरपंच मगीता बाई को नई दिल्ली में बैतूल जिले की आयरन लेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया। याद रखिए, आयरन लेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मगीता बाई, ये बैतूल जिले की साहेपुर पंचायत की सरपंच है। जननी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राहियों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान करने के संबंध में मध्य प्रदेश का शाजापुर जिला प्रथम, डिंडोरी द्वितीय और सागर तृतीय स्थान पर, जबकि अंतिम स्थान पर भोपाल है। याद रखिए, पहले पर शाजापुर, द्वितीय पर डिंडोरी, तीसरे पर सागर और अंतिम पर भोपाल। पाँच से 8 नवंबर 2019 के मध्य संपन्न भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कृषि वैज्ञानिक नरेश सिघानी को आमंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने गंगा नदी की तर्ज पर नर्मदा नदी की आरती करवाने का निर्णय लिया है। यह मध्य प्रदेश आनंद विभाग द्वारा कराई जाएगी। जागरूक भारतीय गौरव अवार्ड 2019 के लिए ग्वालियर के जतिन तिवारी को का चयन हुआ है। याद रखिए, जागरूक भारतीय गौरव अवार्ड 2019 के लिए ग्वालियर के जतिन तिवारी का चयन किया गया। भोपाल जिले के दिव्यांग छात्र हर्ष का चयन एरो स्पेस इंजीनियरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी में चयन हुआ, जिसमें इन्हें 1.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर ग्वालियर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पिदुमन सिंह तोमर द्वारा एम राशन मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। एम राशन मित्र ऐप, ठीक है। चार से 10 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साहित्य, संस्कृति और कला के विभिन्न रंगों को समेटता हुआ अंतर्राष्ट्रीय विश्व रंग उत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव की पहल रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा की गई। उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने किया। अगला है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जल्द ही गाँव में होम स्टे की शुरुआत की जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रूरल होम स्टे की जानकारी भी उपलब्ध होगी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की वर्ष 2017 की अपराध की रिपोर्ट में के अनुसार पानी को लेकर हिंसा में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। टेबल मीडिया कंपनी लॉन्डली
लॉनली प्लेनेट ने साल 2020 के लिए सर्फ रिपोर्ट जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2020 के लिए कंपनी के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, आगे बात करते हैं, उसमें पर्यटन स्थल 5 पैमानों आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। वन्य जीवन, ऐतिहासिक धरोहर, तीर्थ स्थल, भवन निर्माण कला के नमूनों और सबकी पसंद के खाने सर्वे में मध्य प्रदेश से ऊपर इंडोनेशिया का ईस्ट नुसा टेंगर पहले और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में ग्वालियर स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने वाली सरला त्रिपाठी, याद रखिए सरला त्रिपाठी 90 वर्षीय का जिक्र किया है। सरला त्रिपाठी वर्ष 1996 से पानी पिलाने की सेवा का कार्य कर रही हैं, जो आज भी जारी है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खंडवा जिले के ओकारेश्वर को पवित्र नगर घोषित किया गया। इस नगर में यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए ओकारेश्वर विकास योजना 2031 मास्टर प्लान का प्रारूप भी तैयार किया गया। ओकारेश्वर मास्टर प्लान का प्रारूप 1 अक्टूबर 2019 को प्रदेश सरकार के राजपत्र और सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। 4 नवंबर 2019 को 24वें व अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व उज्जैन में कलावर्त न्यास द्वारा आयोजित किया गया। यह उज्जैन के आनंद मंगल परिसर में संपन्न हुआ है। 8 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रमाकांत गुंदेचा का निधन हो गया। वह ध्रुपद गायन के डागर घराने की परंपरा से संबंधित थे। आगे 8 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश के भिक्षावृत्ति करने वाले और अनाथ बच्चों को संरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुशहाल नौनिहाल योजना प्रारंभ की गई है। 9 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल द्वारा इकबाल समारोह का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में हनुमान जी की 101.25 फीट की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, याद रखिए छिंदवाड़ा में। 11 से 19 नवंबर 2019 को पश्चिम बंगाल के कल्याणी में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर के लिए टीकमगढ़ जिले की फुटबॉल खिलाड़ी वंदना यादव का चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए देश से चयनित 51 अंडर 17 बालिका खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें वंदना के अतिरिक्त वड़वानी की हितेशी और मधुबाला शामिल हैं। यह शिविर वर्ष 2020 में होने वाले महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप की तैयारी के लिए आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणी संबंधी निर्णयों के अनुपालन के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। मध्य प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार 2018-19 में चयनित सर्वश्रेष्ठ रेडीवार में 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल हैं। अगला 15 से 17 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पत्रकारिता महोत्सव का आयोजन इंदौर के स्टेट फेस क्लब में द्वारा किया गया। 14 से 18 नवंबर 2019 को भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारत की जीत हुई। भारत के ओपनर बल्लेबाज मयंक अग्रवाल 243 रन के दोहरे शतक के साथ होलकर स्टेडियम में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। इंदौर देश का प्रथम और एकमात्र ऐसा शहर बन गया जहां बिजली के 1,00,000 स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। मध्य प्रदेश खिलाड़ियों का बीमा कराने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश 822 खिलाड़ियों को विभाग द्वारा चिकित्सा और दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। 2 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार और 5 लाख तक का जीवन बीमा मिलेगा। ठीक है, प्रतिष्ठित साइंस मैगजीन नेचर ने अपने इंडेक्स में भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को विश्व के विज्ञान से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों में 26वां स्थान दिया है। इस इंडेक्स में के अनुसार IISER देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इंदौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 16वें स्थान पर है। ठीक, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार का पश्चिमी देशों की तर्ज पर पहली बार टाइम बैंक शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश टाइम बैंक शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है भारत में। आगे, मध्य प्रदेश की मनीषा की ने दोहा कतर में आयोजित 14वीं जूनियर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के टैप जूनियर मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है मनीषा कीर। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी की परधि जोशी ने बेंगलोर में आयोजित घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। आगे, NTPC के खरगोन पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 2 बिजली उत्पादन इकाइयां को जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन देश का प्रथम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 21वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस अरविंद बोबड़े को सुप्रीम कोर्ट का 47वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। याद रखिए, अरविंद बोबड़े 21वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। ठीक, इंदौर में पहली बार मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए डिजिटल लैब तैयार की जा रही है। इसके लिए शहर के 2 संस्थानों का चयन किया गया। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विभाग ने तिल्लौर खुर्द ग्राम पंचायत और युवा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ MOU किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारे मध्य प्रदेश करेंट अफेयर्स। ठीक है, 2019 के जनवरी से लेकर नवंबर तक देख लिए हम लोगों ने जो भी अपडेट हुआ। ठीक है।